अगर आपको नवरात्रि के व्रत में कुछ क्रिस्पी टेस्टी खाने का मन हो और उसे डीप फ्राई भी ना करना पड़े तो ये वॉफल की रेसिपी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसको हमने बिना ऑयल के बनाया है और साथ में ही हम बनाएंगे व्रत वाली चटनी। इसके लिए मैंने 1/2 kg स्वीट पोटैटो, इसे शकरकंदी या रतालू कहते हैं, इसे ले लिया है। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 विसल के लिए कुक कर लेंगे। और साथ में ही मैंने देखिए पहले से ही साबूदाना यहाँ पे भिगाने के लिए रख दिया था, तो 1.5 कप मैंने यहाँ पे साबूदाना को एक बार अच्छे से वॉश करके इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे सोक कर दिया है। तो साबूदाना को मैंने 2 घंटे पहले ही भिगाने के लिए रख दिया था। तो ये हमारा स्वीट पोटैटो भी देखिए अच्छे से कुक्ड हो गया है और इसे अभी मैंने अच्छे से ठंडा होने के बाद छील के इसे मैश कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 घंटे पहले से मैंने साबूदाना को भिगा दिया था, तो ये अच्छे से एकदम फूल के सेट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो स्वीट पोटैटो है उसे ऐड कर देंगे और साथ में ऐड करेंगे हरी मिर्ची। तो 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड किया है। अब व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा इसमें हम ऐड करेंगे धनिया। साथ में इसमें मैंने ऐड किया है भुना हुआ मूंगफली का पाउडर, तो मूंगफली को मैंने थोड़ा सा दरदरा ही पीस लिया था। तो सारी सामग्री को डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ध्यान रहे कि इसमें साबूदाना जो है ना ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका अगर जो कंसिस्टेंसी गीला हो गया तो ये अच्छे से बनेगा नहीं। एकदम इस तरीके से देखिए ड्राई होना चाहिए। साबूदाना वॉफल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक वॉफल मेकर का इस्तेमाल किया है। इसमें तेल या घी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे तो भी ये इजिली बन जाता है। तो इसे मैंने देखिए अच्छे से जो स्टफिंग है इस पे फैला लेना है और फिल कर देना है। तो इसमें हमने बिल्कुल भी तेल नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब ये पक जाएगा तो लास्ट में हम थोड़ा सा घी लगा के इसे पका सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और अच्छा बनेगा। और नहीं भी लगाएंगे तो भी अच्छी बनती है। तो लो फ्लेम पर आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए पलट पलट करके इस तरीके से हमें पका लेना है। तो देखिए ये हमारा जो वॉफल है ना बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो इस पे मैंने थोड़ा सा लास्ट में घी लगाया था, आप नहीं भी लगाएंगे ना तो भी अच्छी बनेगी, लेकिन मुझे घी का टेस्ट इसमें अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा 1/2 चम्मच दोनों साइड हल्का हल्का लगाया था। आप देख ही सकते हैं इसकी जो आवाज सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है ना। अब वॉफल के लिए हम बनाएंगे व्रत वाली चटनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए 1 कप धनिया को अच्छे से धोकर साफ कर लिया था, इसे ऐड कर दिया है। और साथ में मैंने 1/4 कप भुना हुआ मूंगफली और 1 से 2 हरी मिर्ची, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, सेंधा नमक और 1 बड़ा चम्मच इसमें हम दही डालेंगे। 1/4 कप पानी डालकर इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए ये व्रत वाली चटनी बनके हो गई तैयार। तो इस वॉफल के साथ ये चटनी भी बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो फटाफट मुझे फॉलो कर लीजिए और भी रेसिपीज देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।